अस्सलाम वालेकुम, वीडियो ऑन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ, हाजिरी कह सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि ये टेक्सचर सबका फेवरेट है, लेकिन इसका ना थोड़ा रंग मध्यम हो गया हुआ है। वैसे भी इतना भी नहीं हुआ, लेकिन ये ना मिट्टी बहुत पड़ गई है इसके अंदर, सीमेंट मिट्टी। तो मैंने ये नया टेक्सचर मंगवाया है, तो रबाब भी है उनकी रिक्वेस्ट पे, इसको पहले मैंने आज बनाना है, तो फिर इसको डैम क्रम्बलिंग करना है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बनाने तो लगे हैं, चलें एक ट्यूटोरियल शेयर कर दें। रिक्वेस्ट भी थी कि इसका ट्यूटोरियल भी बताएं साथ साथ, तो मैंने सोचा कि आज इसका ट्यूटोरियल बनाना है। अच्छा, ये ओल्ड है और ये न्यू है, ये आज ही भट्टे से मंगवाई है। तो इसमें क्योंकि ये थोड़ा इसमें ब्राउन कलर है, रेड ब्राउन, इधर तो ब्राउन आ रहा है, थोड़ा ये पाउडर ऐड हो जाएगा, थोड़ा ये ग्रीटी टेक्सचर ऐड होगा और ये सीमेंट ऐड होगा अंदर। चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, बारिशों के बाद इसको उठाया नहीं, मुझे लगता है कि नीचे जमा हुआ है, तो इसको अब अलग करते हैं साथ साथ। मैं इसको भी साथ ही ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये बनेगा तो अभी, लेकिन इसकी वीडियो जो मतलब इसको ड्राई नहीं करना, तो इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो सुबह ही आ जाएगी। अगर परसों बनाई तो, क्योंकि आपको पता है धूप अच्छी खासी निकल जाए, इसने भी ड्राई हो जाना है। तो डैम की रिक्वेस्ट है, तो मैं जा रही हूँ कि इसको डैम की क्रम्बलिंग किया जाए। ये सीमेंट है, आप देख लें, इसमें पहले भी सीमेंट डाला है, लेकिन ग्रीटी टेक्सचर है ना, तो सीमेंट ज़्यादा डलता है इसमें। अच्छा जी, अच्छा जी, जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, साथ ही जाना शुरू हो गई। तो ये देख लें, वरना इतना अच्छा आ रहा था, साथ पोरिंग भी कर लेती इसकी वाटर में, तो बस इसलिए दूर दूर से बजाने हो रही है, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है हमारी करीब वाली, जाने सारी पड़ने लगी। मगरिब का टाइम है, ये ऊपर पता ही नहीं चला, हालांकि मैं आई ट्यूटोरियल बना रही थी कि जाकर ना ट्यूटोरियल बना लूँ, क्योंकि सुबह टाइम मैंने कोई वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड की, इतनी तेज़ हवा थी सुबह, तो मैंने सोचा था कि आज ऊपर जाना, बहुत हवा में भी सारी वीडियो स्पॉइल हो जाती है। चलो अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, मुझे याद आया, फ्रीहा मलक, आप उससे नाराज़ हो चुकी हैं कि आप, मैंने आपका नाम नहीं लिया, तो सॉरी, मैंने सोचा था आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि मैंने आपका नाम क्यों भूली, तो अब आपका ट्यूटोरियल में नाम ले रही हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। उसके अलावा हैं अब्दुल वसी, उनकी मोम है, वो बहुत शौक से मेरे वीडियोस देखती हैं, तो उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगी, वैसे उनका अब ट्यूटोरियल में नाम ले रही हूँ, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक नीतू है, नीतू बसवास उन नाम है उनका, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद करती हैं मेरी वीडियोज़ को, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी तो आप लोगों को पता ही है नाम, उसमें वैसे बहुत सारे नाम भूल गई थी, तो मैंने सोचा अब, लेकिन आज तो ये अब मुझे लगता है इसमें लाइट भी नहीं सही आ रही होनी, तो इंशाल्लाह आप सबके लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगी, ताकि जो जो रह गई हैं उनका भी नाम हो जाएगा। अब इसकी कुछ शेप्स निकालते हैं। अच्छा, मैं फिर एक दफ़ा बता रही हूँ, शेप्स हमने ड्राई नहीं करना है इनको, डैम कल क्रम्बल करेंगे अगर हवा ना हुई इंशाल्लाह ताला। अंधेरा काफ़ी हो गया है, तो एक दो शेप्स ही आपके सामने निकालेंगे। टूटा टूटा हुआ ट्यूटोरियल लग रहा है मुझे तो ये।
देखे, नहीं कितनी प्यारी निकल आई है। अब ये ज़मीन पे एक दो निकालते हैं फिर आपको दिखा दो। अच्छा जी ये देखें, ये एक शेप्स निकल आई, इसके बाद अभी निकलेगी दूसरी। मैं बनाते बनाते डिब्बा ही लगता है टूट गया। ये देखें, मुझे लगता है अब हमें दूसरा बनाना पड़ना है डिब्बा, क्योंकि ये टूट चुका है इसी के चक्कर में। आ गई दो नज़र, चलें ठीक है। बाकी हवा भी बहुत तेज़ है और लाइट भी नहीं सही आ रही क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो बाकी शेप्स ऑफ कैमरा बना लेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।